हे एवरीवन, सपने हर कोई देखता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिसे वो अचीव करना चाहता है। नो मैटर आप एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, एक एम्प्लॉय हो, एक बिजनेसमैन हो या एक रिटायर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, जब तक आप जिंदा हो आपकी लाइफ में से कोई ना कोई गोल जरूर होगे जिसे आप अचीव करना चाहते होगे। अब गोल्स तो हर कोई सेट कर लेता है, लेकिन बहुत से लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि उसे पूरा कैसे करें। थोड़ा और प्रिसाइसली होकर कहूं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या एक्शंस लेना चाहिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। इसलिए अगर आपके भी बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे गोल्स हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में भी इस गोल से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है और आप उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 सिंपल स्टेप्स शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप इजीली अपने हर एक गोल्स, अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकोगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, अनलॉक एंड नो योर एक्चुअल पोटेंशियल। देखो, सपने तो हर कोई देखता है, गोल्स हर कोई सेट कर लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने गोल्स को इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हर वक्त खुद पे डाउट करते रहते हैं, स्पेशली अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल से रिलेटेड। उन्हें डाउट रहता है कि ये वो जो सपना देख रहे हैं क्या वो उसे पूरा कर पाएंगे, और फिर इसी डाउट नेचर की वजह से वो अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। देखो, सच तो ये है कि अगर आप सपने देख सकते हो तो उन सपनों को पूरा भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। इनफैक्ट एक रिसर्च से पता चला है कि एज अ ह्यूमन बींग हम अपने ब्रेन की गोल अचीविंग पोटेंशियल का सिर्फ 2% यूज करते हैं। इसलिए अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको अपने ब्रेन की गोल अचीविंग पोटेंशियल का 98% भी यूज करना होगा। मतलब आपको अपनी एक्चुअल पोटेंशियल को एकदम डेप्थ में मालूम करना होगा और उसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना होगा, तभी आप अपने गोल्स को पूरा कर सकोगे। अब नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप हर वीकेंड बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल बुक की नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेटर बना सको। स्टेप नंबर 2, टेक चार्ज एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं मेनली 3 रीजन की वजह से। पहला, उन्हें फेल होने का डर रहता है। दूसरा, उनके नेगेटिव इमोशंस की वजह से। और तीसरा, उनके ब्लेमिंग नेचर की वजह से। एग्जाम्पल, जब हम कोई नई चीज फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो 99% टाइम हम उस चीज में फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब जो लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं वो इस फेलर को सेटबैक की तरह ले लेते हैं और बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, और फिर इसी वजह से उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो दूसरों को इस फेलर के लिए ब्लेम करने लगते हैं कि जैसे कि मेरी लक ही खराब है, मैं बहुत ज्यादा बदनसीब हूँ, ये सब उनकी गलती है, ये सभी लोग पार्शियलिटी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर इसी ब्लेमिंग नेचर और नेगेटिव इमोशंस की वजह से वो वापस से ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें वापस से फेल होने का डर रहता है। देखो, जब एडिसन बल्ब इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो 10,000 टाइम फेल हुए थे, तब जाके उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। MS धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले बहुत स्ट्रगल और बहुत सारा फेलर देखने को मिला था। इनफैक्ट पहले मैच में तो वो डक पे भी आउट हुए थे, लेकिन दूसरों को ब्लेम करने की जगह उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा, उसे एनालाइज किया, तब जाके वो आज इतने ग्रेट क्रिकेटर बने। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने हर एक गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने की कोशिश करो, रियलिटी को मानते हुए अपने फेलर को एक्सेप्ट करो और अपनी मिस्टेक को ओवरकम करने की कोशिश करो, तभी आप अपने हर एक गोल्स, अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकोगे। स्टेप नंबर 3, नो योर ट्रू गोल्स क्लैरिटी। ज्यादातर लोग गोल्स सेट तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अपने गोल से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल, बहुत से लोगों का गोल होता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि वो कितने पैसे कमाना चाहते हैं, किस तरह अमीरों वाली लाइफ जीना चाहते हैं, और पैसे कमाने के लिए वो कौन कौन से काम करना चाहते हैं, और फिर इसी नॉन क्लैरिटी की वजह से वो अपने अमीर होने के गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप अपने गोल्स की क्लैरिटी मालूम करना चाहते हो तो एक पेपर पे अपने गोल्स को लिखो और उससे रिलेटेड एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जरूर पूछो। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपका लाइफ गोल है अमीर बनना, तो उससे रिलेटेड आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आज से 15-20 साल के बाद आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, कौन सा जॉब करना चाहते हो, कौन से घर में रहना चाहते हो, कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हो, और कौन सा स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। एक बार जब आप अपने पेपर पे अपने गोल से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस लिखते हो तो आपको इससे 2 बेनिफिट मिलता है। पहला,
आपको अपने गोल से रिलेटेड क्लैरिटी मिल जाती है कि आप उसे कैसे अचीव करना चाहते हो। दूसरा, जो भी एक्शन आप अब तक ले रहे हो वो सही है नहीं ये आपको इससे पता चलता है, और फ्यूचर में आपको कौन से एक्शन लेना चाहिए अपने गोल्स से पूरा करने के लिए ये भी आपको इससे पता चलता है। इसलिए अपने गोल्स की क्लैरिटी मालूम करने के लिए एक पेपर पे अपने गोल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो और उनके आंसर मालूम करो, तभी आपको अपने गोल्स एकदम क्लियरली पता चलेंगे और तभी आप उन्हें अच्छे से इजीली अचीव कर सकोगे। स्टेप नंबर 4, मेक प्लान एंड डू प्लानिंग। देखो, जब क्रिकेट मैच में टीम को बड़ा टारगेट चेस करना होता है तो टीम मेंबर सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में कौन कब जाएगा। ओवर टू ओवर प्लान चेंज होते रहता है, तब जाके वो उस टारगेट को चेस कर पाते हैं। सिमिलरली, अपने बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने के लिए या अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली ग्रो करने के लिए बिजनेस टीम अलग अलग प्लान बनाती है। इसलिए अगर आप भी अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए अलग अलग प्लान बनाओ। देखो, टाइम टू टाइम प्लान चेंज होते रहते, कुछ प्लान सक्सेसफुल रहेंगे तो कुछ फेल हो जाएंगे, लेकिन जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है वो है प्लानिंग प्रोसेस। क्योंकि जब आप प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ऐसी बहुत सी डेप नॉलेज आपको अपने गोल्स से रिलेटेड मालूम होती है, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने गोल्स को पूरा कर लेते हो। अब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ एक बिग प्लान मत बनाओ, बल्कि छोटे छोटे स्मॉल प्लान भी बनाते रहा करो। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है 30 kg वेट लूज करना, तो प्लान बनाओ कि आप हर रोज कितना एक्सरसाइज करोगे, कौन सी डाइट फॉलो करोगे, हर हफ्ते कितना वेट लूज करोगे, तब जाके आप अपने उस गोल को अचीव कर लोगे। सिमिलरली, अगर आप अपने कोई बड़े गोल्स को पूरा करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड ईयरली, मंथली, वीकली और डेली गोल्स बनाओ और अकॉर्डिंगली प्लान और एक्शन डिसाइड करो उस हर एक छोटे गोल्स को पूरा करने के लिए, जिसकी हेल्प से फिर आप इनडायरेक्टली अपने उस बड़े गोल्स को बड़ी आसानी से अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 5, मेजर योर प्रोग्रेस। थर्ड स्टेप को फॉलो करने के बाद जब आपको अपनी गोल्स की क्लैरिटी मिल जाती है और फोर्थ स्टेप को फॉलो करने से जब आप प्लान बना लेते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो फिर आपको टाइम टू टाइम अपने प्रोग्रेस को भी मेजर करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने टाइम टू टाइम गोल प्रोग्रेस को मेजर करते हो तो इससे आपको दो बेनिफिट मिलता है। पहला, जब आप अपने प्रोग्रेस को मेजर करते हो तो आपको ऐसे बहुत से पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करता है जो आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील कराता है। आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो और फिर और भी ज्यादा हैप्पीनेस को पाने के लिए, और भी ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज करने के लिए आप और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हो, और फिर इसी एक्स्ट्रा हार्डवर्क की वजह से आप इजिली अपने उस गोल्स को पूरा कर लेते हो। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मेजर करते हो तो आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, और आपको ये भी पता चलता है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है जिस पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है, और फिर उसी वीक पॉइंट पे एक्स्ट्रा वर्क करते वक्त आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने लगते हो, जिससे आप फिर थोड़े टाइम के बाद एक स्किलफुल इंसान बन जाते हो। इसलिए अपनी गोल्स की प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मेजर करते रहा करो, इससे आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी, आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, और फिर इन सभी चीज की हेल्प से आप इन दी एंड अपने हर एक गोल्स को, अपने हर एक सपनों को पूरा कर लोगे। सो टू कंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की लिखी एक बहुत ही अमेजिंग बुक गोल्स से बताया हो। इस बुक में टोटल 13 स्टेप है जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को इजिली अचीव कर लोगे। इसलिए अगर आप इन सभी 5 स्टेप को और बाकी के 8 स्टेप को एकदम डीप में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अब टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताया गया स्टेप यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपका लाइफ गोल क्या है और उसे पूरा करने के लिए आप कौन से एक्शन ले रहे हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।